मक्का मस्जिद को कोविड 19 सेंटर में तब्दील किया गया है। लोगों के मन में कोरोना का डर तो है लेकिन सतर्कता नहीं। भिवंडी निजामपुर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुंबई के उपनगर इलाके में भिवंडी शहर में मक्का मस्जिद को कोविड 19 सेंटर में तब्दील किया गया है। साथ ही इस सेंटर में मुफ्त ऑक्सीजन की सुविधा भी की गई है। ये सुविधा जमाते इस्लामी हिंद शांति नगर ट्रस्ट और पूर्वी भिवंडी शांति नगर ट्रस्ट ने की है। सांस लेने में कठिनाई का सामना कर रहे रोगियों की सहायता के लिए वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 5 बेड लगे हुए हैं। इसके अलावा जमाते इस्लामी हिंद ने अपने घरों में मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने के लिए एक मुफ्त सेवा भी शुरू की है। आपको बता दें, भिवंडी निजामपुर क्षेत्र में हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप में 1,332 से अधिक मामले सामने आए हैं और 88 लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। ये राज्य भर में 5.26% मृत्यु दर है। कोरोना वायरस का कहर अचानक बढ़ने से 3 जुलाई तक पूरे इलाके में तालाबंदी कर दी गई है। भिवंडी निजामपुर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। साथ ही कई डॉक्टर्स ने संक्रमण के डर से क्लिनिक भी बंद कर दी है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष आसफ अहमद फलाही ने कहा है कि लोगों के मन में कोरोना का डर तो है लेकिन सतर्कता नहीं और बीमार पड़ जाने पर पैसा नहीं है, इसलिए हमने कोशिश की है कि मुफ्त सुविधा की जाए। इस सुविधा से अब तक 70 से अधिक रोगियों को लाभ हुआ है, जबकि 8 रोगियों को उनके घर पर 15 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा गया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।